तो आज हम बनाने वाले हैं वो है फ्लावर पॉट, जो प्लास्टिक का आता है, ठीक है, फ्लावर पॉट वो बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये और जो ये रखा है, यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर इधर की तरफ आ जाइए और ये हल्का सा इधर टेपर है, इधर अंदर की तरफ लेंगे, इसकी सीट में अभी मैंने बना दिया। अब इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, तो रैपिड डायमेंशन ले लीजिए। और ये वाला है हमारा 50 और फिर यहाँ से यहाँ तक है तो 110। और ये वाली जो लाइन है, लाइन पॉइंट पर नहीं क्लिक करना, लाइन पर क्लिक करना, ठीक है। और ये 35 हो जाएगा और ये है 75 और ये जो लाइन है ये है 5 और एंगल और बचता है, तो एंगल के लिए मैं यहाँ से ये होता है एंगल। और अभी ये ओवर कंस्टेंट आ जाएगा, देखते हैं। इसको लिया और इसको लिया, ओके, तो ये टाइम आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो पैरेललिज्म का आइकन आ रहा है इसे हम डिलीट करेंगे। इसे डबल क्लिक किया और ये 70 डिग्री देगा, ठीक है। तो अब ये एज पर माई डायमेंशन करेक्ट आ रहा है, एग्जिट करेंगे और इसको कर देना यहाँ से रिवॉल्व और सिलेक्ट किया और ले लिया, ओके, यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं फिलेट, ठीक है। और फिलेट हमने इधर नीचे वाले पे लिया, ठीक है, और फिर से लेते हैं फिलेट। अभी और भी फिलेट देना पड़ेगा, तो बाकी भी फिलेट ही है, फिलेट यहाँ पे चाहिए अप्लाई और यहाँ पे भी चाहिए अप्लाई, लेट हो गया, कैंसिल कर देते हैं। अब पहले शेयर कर लो, ये फेस रिमूव करना है और थिकनेस है इसकी शेयर की 1.5। अब फिर वही फ्रंट वाला प्लेन ही लेंगे और ऑफसेट लेते हैं, इसे करेंगे सिंगल कट और इसे ऑफसेट कर देते हैं। देखिए कितना ऑफसेट बना, ये होना है ऑफसेट 1.25, थोड़ा सा ऑफसेट कर देते हैं बस, ओके। और एक लाइन ले लीजिए यहाँ से और इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन इधर भी चाहिए। अब मेक कॉर्नर, मेक कॉर्नर क्या करेगा, इसका कॉर्नर बना देगा, और ये वाला जो गैप है ये दूरी हमें डालनी पड़ेगी, ये है 2। तो यहाँ से और ये जो लाइन है 2 कर देते हैं इसको, प्लस फिनिश। और इस वाले को भी मैं रिवॉल्व करूँगा, लेकिन बाद में करने से क्या फ़ायदा हुआ, बाद में करने से ये फ़ायदा हुआ कि इसके लिए शेल नहीं हुआ। अगर पहले कर देते तो इसके लिए शेल हो जाता, तो वो हम नहीं चाहते थे, हम चाहते हैं इसके साथ में यूनाइट हो गया है बाद में, तो इसका देखो थोड़ा वो आगे किनारे निकल गई है, ऊपर वाला ये ऊपर की एरिया है। और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फिलिट 0.75 का, एक तो यहाँ पे चाहिए और एक ये भी, ये राउंड हो गया, ये वाला मेरे पास बन के आ गया। अब इसके बैक पे चलते हैं, इस वाले बैक पे चलेंगे, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ लाइन, पहले एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, एक सर्कल लेता हूँ और इसकी डायमेंशन कर देता हूँ 72 का, और लाइन, ये देखो लाइन,
ठीक है, और ये एंगल करना है। अब यहाँ से जाते रहते हैं और लेते हैं एंगल, और इसके बीच का एंगल ये है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का हाफ है 15 इधर, और सेम इधर से ले लेते हैं 15, ठीक है। और एक सर्कल और ले लेता हूँ, यहाँ से क्लिक किया और इसको मिला दिया, और ये था मेरा नीचे का 50 था, तो 100 का डाया हो जाएगा। और ओके, इस पॉइंट को भी इस सर्कल के साथ मैच करा। अब यहाँ से हम लेते हैं पैटर्न। पैटर्न में एक लाइन ये है और सेंटर पॉइंट है ये वाला, और यहाँ पे नंबर ऑफ एरे में 5 ले लीजिए आप, 5, और ओके, ठीक है। अभी मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ऐसे ही लेके चलते हैं फिनिश। ये मेरे पास आ गया है, ये जो आ रहा है इसको हाइड कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना करे। अब यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड के लिए मैं लेता हूँ रीजन, एक रीजन ही आ गया, क्लिक हो गया वो शायद में यहाँ पे आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्लेट की वजह से प्रॉपरली टच हो नहीं पा रहा है ना। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसे यूनाइट करके देखिए, और ये हमें सिर्फ 6 रखना है, 6 आ गया। और एक बार चेक करें आता है क्या प्रीव्यू, ठीक है प्रीव्यू आ रहा है। एक एक छोड़ दो, अगला फिर एक छोड़ दो, फिर अगला एक छोड़ दो, फिर ये एक अगला एक छोड़ दो, फिर एक ही अगला, ठीक है। तो 3 into 5 इस तरीके से आ जाएंगे, और इसे कर देते हैं ओके। इसे हाइड कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फिलेट, ये जो नहीं बना है इस पर फिलेट करना पड़ेगा। और फिलेट ले लेते हैं, 1 का ले लेंगे, तो फिलेट। और इस बार आप फेस को सिलेक्ट करिए, फेस नहीं आ रहा, फेस एजेस, तो फेस एजेस ये होगी, तो क्या होगा इससे, ये ऑटोमेटिकली पूरे को सिलेक्ट कर लेगा अप्लाई। नीचे का नहीं आ रहा, ऊपर का नहीं आ रहा, तो मैं से रीसेट करता हूँ। और यहाँ से वही एजेस लिया, बाकी को पिक करिए, 5 नहीं 1 ही रखना है इसे भी, और बाकी जो बचे हैं इन सबको भी। अब अगर मैं शेल को नीचे शिफ्ट करता हूँ, शेल कहाँ करा हुआ ये, इसे ड्रैग करके इसके बाद कर देते हैं, तो शेल कैन नॉट बी अप्लाई आ रहा है, बॉर्डिंग दे रहा है। और इस रिवॉल्व को अगर इसके बाद ले आते हैं तो भी बात नहीं बनी। कैंसिल करते हैं, अंडू करिए, मैं चाह रहा था कि इसके अंदर भी इंप्रेशन आ जाए शेल का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से शेल को बंद कर दिया। अब अगर शेल यूज़ करके देखते हैं, ऊपर वाला पेज रिमूव करते हैं, तो शेल जनरेट हो नहीं पा रहा है शायद इसकी वजह से। तो कैंसिल किया, और प्लेट यहाँ पे भी रहता है, और इसे हम कर देते हैं इनका। अब अगर मैं शेयर लेता हूँ, फेस पे अप्लाई किया 1.5 का, तो ये जो है रिब मेरी, ये वाला रिवॉल्व
इसको मैं बंद कर देता हूँ, आप अगर शेयर लेंगे तो। अब इसके अंदर भी इंप्रेशन आ गया, इसे मैंने करा ओके। और अगर इस रिवॉल्व को ऑन करता हूँ मैं तो देखो इस रिवॉल्व के अंदर भी इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप इस रिवॉल्व को ड्रैग करके शेल के बाद लेके आओ, ठीक है। अब तो नहीं आ रहा, मतलब शेल पहले किया है और इसको बाद में, और ये जो पहले वाला शेल था इसको हमने करते हैं डिलीट। अब ड्रेनेज के लिए इसके अंदर मुझे क्या करना है, होल्ड करना है, तो यहाँ से होल्ड ले लेते हैं। होल्ड करके होल्ड ले लिया और यहाँ से अब पिक करिए, इसको सब मिला दीजिए। और वैसे इधर बनाते तो ज़्यादा ठीक होता क्योंकि यहाँ से मुझे पोजीशन प्रॉपरली मिल जाती, तो यहाँ से लेते हैं फोर। इसे कर लेते हैं 42 और इसे अलाइन कर देना इसको इसके साथ, एग्जिट, और इसे कर देते हैं कंफर्म। और इसे कर लेते हैं पैटर्न, वेक्टर है ये वाला और 5 ओके। ठीक है, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर से बना के देखना है।